प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन से की है। इसको लेकर अब सियासत गर्माती दिख रही है। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पलटवार किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि आप हमें जो चाहें बुला लें, लेकिन हम इंडिया हैं। राहुल ने अपने ट्वीट में लिखा, आप हमें जो चाहें बुला लें मोदी जी, हम इंडिया हैं। हम मणिपुर में हालात ठीक करने और हर महिला और बच्चे के आंसू पहुंचने में मदद करेंगे। हम मणिपुर के हर व्यक्ति के लिए प्यार और शांति वापस लाएंगे। हम मणिपुर में भारत के विचार का दोबारा निर्माण करेंगे। वहीं प्रियंका गांधी ने भी पीएम मोदी पर हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, प्रधानमंत्री जी इतनी नकारात्मकता क्यों? इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, इंडिया के मूल में संविधान की भावना है। देश के युवाओं को रोजगार, जनता को महंगाई से राहत, हर तबके की खुशहाली, किसानों, श्रमिकों की भलाई, महिलाओं को सुरक्षा और सहायता, देश में एकता, प्रेम और शांति का सकारात्मक एजेंडा है। राजनीति के चलते इंडिया के लिए आपने नकारात्मक और अपमानजनक रुख अपना रखा है। बार बार देश के नाम के साथ नकारात्मक मायने जोड़ना आपके पद की गरिमा के प्रति उचित नहीं है। देश के लोग नकारात्मक नहीं, सकारात्मक राजनीति चाहते हैं। संसद में मणिपुर पर देश आपकी बात सुनना चाहता है। देश महंगाई और बेरोजगारी पर जवाब चाहता है। बता दें कि मानसून सत्र में मणिपुर पर जारी संग्राम के बीच आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर भी निशाना साधा और कहा कि इंडिया नाम लगा लेने से कोई भारतीय नहीं हो जाता है। पीएम मोदी ने कहा कि ईस्ट इंडिया और इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया था। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और उन्हीं की तरह विपक्ष ने इंडिया गठबंधन बनाया है। अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम का भी जिक्र किया। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर 26 पार्टियों ने इंडिया नाम से गठबंधन बनाया है। इसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, सपा समेत कई बड़े दल शामिल हैं। इंडिया की एकजुटता संसद में भी दिखाई दे रही है। इंडिया के बैनर तले सभी पार्टियां मिलकर केंद्र सरकार को घेरने में जुटी हैं। मणिपुर समेत हर मुद्दे पर इंडिया की एकजुटता साफ नजर आ रही है। बलात्कारियों पर जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, नरेंद्र मोदी जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, वरना गद्दी छोड़ना होगा, छोड़ना होगा, छोड़ना होगा, वरना गद्दी छोड़ना होगा, छोड़ना होगा, छोड़ना होगा, नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, मणिपुर पे जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, हिंसा पे जवाब दो, जवाब दो।